क्रिसमस को लेकर लोगों का उत्साह हर वर्ष देखते ही बनता है। प्रभु यीशु के जन्म को लेकर सेंटा क्लॉज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। आजकल लोग भव्य पंडाल बनाकर भी प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। इसी क्रम में कटिहार के हृदयगंज स्थित संथाली टोला में भी एक भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें प्रभु यीशु के जन्म को अच्छी तरह दर्शाया गया है। वैसे तो आपने पंडाल कई तरह के देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पंडाल के दर्शन कराते हैं जो आपने कभी शायद ही देखा होगा। दरअसल ये पंडाल मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये क्रिसमस से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस मनाया गया, लेकिन यहाँ पर 26 दिसंबर को भव्य रूप से पंडाल का निर्माण कर इस इलाके में लोग मनाते हैं। यह कटिहार का सीताराम चमरिया कॉलेज वार्ड नंबर 6 और संथाली टोला कहते हैं इस इलाके को। और इस इलाके में कुछ घर ऐसे हैं जो ईसाई समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसी इलाके में जो है एक भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। मेरे पीछे ज़रा देखें एक खूबसूरत पंडाल का, यहाँ दो पंडाल का निर्माण किया गया। ज़रा इस ओर ज़रा बात करेंगे, इस ओर दूसरा जो पंडाल है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक छोटा सा ही लेकिन बहुत खूबसूरत फूलों से सजाया गया है और भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। और यह दो पंडाल इस इलाके में निर्माण किया गया है, 2-3 दिन तक इसे रखा जाता है, यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और इस प्रार्थना की जाती है, और इस जो प्रभु यीशु की याद में जो उनका उत्सव है वो लगातार मनाते हैं। पंडाल के अंदर ठीक जो है यहाँ पर प्रभु यीशु की जो वो बाल्य रूप है, वो बाल्य रूप को दर्शाया गया है। आप ये चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये वही गांव दर्शाया गया है जिस गांव में प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। और ये पहाड़ और अन्य उससे जुड़ी जो उस इलाके में थी, उस हाँ बेथलेहम जो गाँव था, उस गाँव को दर्शाया गया है। और इसी गाँव को लोग जो यहाँ पर आते हैं, इसका दर्शन करते हैं और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि प्रभु यीशु लोगों के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे। इस पंडाल में छोटी सी चरनी में प्रभु यीशु जन्मस्थल के साथ इलाके की रेगिस्तान सहित अन्य स्थानों को भी बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। इस मौके पर फादर द्वारा पंडाल में एक विशाल प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रभु यीशु को याद करते हुए दुनिया में अमन चैन कायम करने की प्रार्थना की। ईश्वर के भजन को सुनने के बाद हम अपने निवेदनों को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करें। ईश्वर ने जो वादा किया था कि वह हमारे बीच मुक्तिदाता को भेजे, उस दैत्य के यज्ञ समारोह हमें क्रिस्त के योग्य बना दे। इसके बाद शुरू हुआ बच्चों का रंगारंग नृत्य एवं संगीत का कार्यक्रम। आपके लिए स्वागत।
इस उत्सव को कुछ बच्चे मना रहे हैं खूब नृत्य के बाद। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, चलिए जानते हैं। बेटा कब से कब तक मनाते हैं? हम लोग बहुत पहले से मनाते हैं। हाँ, आज इसके दिन क्या क्या करते हैं? डांस करते हैं, सबके घर में जाते हैं। हाँ, बधाई हैं। देते हैं सबको, मिठाई बांटते हैं। मिठाई बांटते हैं, क्या करते हैं बेटा इस दिन? इस दिन यीशु मसीह का जन्म होता है और हम लोग अच्छे से मनाते हैं। थैंक यू। बेटा आप क्या पकड़ा करते हैं इस दिन? क्या आज के दिन क्या करते हैं आप? तो हम लोग इस आज के दिन बहुत डांस धूमधाम से डांस करते हैं और मनाते हैं। आप क्या करते हैं बाबू? आज प्रार्थना करते हैं। बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य एवं गीत को देख मौके पर मौजूद लोग दंग रह गए। पूरा माहौल उत्साह से प्रफुल्लित नजर आ रहा था। लोग एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कह रहे थे। आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए इर्दगंज चांदारी टोला में, उन लोग के साथ हम लोग का खुशी आम से हम लोग भाग लेने के लिए आए हैं। प्रवेश हम लोग बीच में आया है सब लोगों के लिए, सब लोगों में अपना सुख शांति फैलाने सके, इसके लिए प्रवेश हम लोग को चुन लिया गया। हम लोग के बीच में आ सके और हम लोग द्वारा सब लोगों को इस सब का शांति संदेश उन लोग मिल सके। आज हम लोग बड़े दिन के समय हम लोग इर्दगंज गाँव वालों के साथ है, हम लोग को मैसेज देता है प्रवेश हम लोग बीच में आएंगे नया ज्योति जैसे, सब लोगों का मन अंदर प्रवेश का ज्योति में ज्योति से फैलाने के लिए और सब लोग अंधकार का रास्ता दूर कर सुख शांति में रहने सके। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और इसके बाद मैं धन्यवाद देती हूँ फादर को और सिस्टरगण को और माता पिता भाई बहन बाल बच्चे को, सभी लोग को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ये शुभ अवसर में आए हैं कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। प्रभु यीशु पापियों के लिए जन्मे हैं और हम सब पापी हैं और प्रभु यीशु इतना प्यार हम लोग से करते हैं कि आज हम लोग के लिए सुख शांति हम लोग के लिए लाए हैं। और मैं यही चाहती हूँ प्रभु यीशु से कि सभी लोगों को ये सुख शांति प्रदान करें और सभी लोगों को शांति मिले और प्रभु यीशु का इतना कोने कोने तक प्रभु यीशु का शांति फैल सके ताकि प्रभु यीशु का महिमा हो, यही मैं कहना चाहती हूँ। हम लोग इस मरतब जो है ना सोच रहे थे नहीं हो पाएगा, लेकिन यीशु का हम लोग जो है ना बहुत प्यारा है, इसे लेकर के उसका पढ़ी बहुत सुंदर से हम लोग इस मरतब आयोजन कर रहे हैं छोटू मुर्मू। हर साल की तरह इस साल भी हर एक साल जो है 24 दिसंबर को क्रिसमस का जन्म होता है, यीशु मसीह का जन्म होता है, उसका खुशी पर हम लोग 25 तारीख को मैं क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी जो है 19 वर्षों से हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं और हम लोग संदेश देना चाहते हैं कठहरवासी को, हम लोग जो है हर साल और इस साल भी धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं। धन्यवाद। क्या नाम आपका? अजय मुर्मू, हृदयगंज संभाली टोला। निश्चित तौर पर यहाँ 2010 से ही पंडाल का निर्माण किया जाता है, लेकिन इस बार भव्य और बड़े पैमाने पर पंडाल का निर्माण किया गया है जो कि बेहद खूबसूरत है। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। ईसाई समुदाय के अलावा भी अन्य धर्म से जुड़े लोग यहां पहुंचते हैं और प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं। अपने सहयोगी रवि झा के साथ मैं करण कुमार, KBC न्यूज़ के लिए। एक अच्छा रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए? जहाँ खाना स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बेहतर साफ सफाई भी हो, क्यों है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है। चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉकटेल का, हर चीज में है मास्टरी हासिल। ऐसा रेस्टोरेंट ना कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। नमस्ते कटिहार, सबका चहिता, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ